नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार अपनी इस खास पेशकश गफलत रायसीना में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यह हमारी एक नई पेशकश है, एक नई कोशिश है गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया के बीच में जिस तरीके से एक अघोषित सा युद्ध चल रहा है उसके बारे में। 2024 का ये पहला दिन है और सर्द दिन है, सर्दी का दिन है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गर्माहट छाई हुई है देश में। अलग अलग जगहों पर राजनीतिक समीकरण इंडिया बनाम जो एनडीए है वो बनने की तैयारी कर रहे हैं। लोग इसमें अपने अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक मीडिया की भी बड़ी अहम भूमिका है कि जिस तरीके से वो इस पूरे मामले को प्रोजेक्ट करता है, जिस तरीके से वो हर मामले में अपनी टांग अड़ाता है, तो वो एक बड़ा दिलचस्प बना देता है इस पूरे प्रकरण को। तो गफलते रायसीना में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आलोचक भी कह सकते हैं फिल्मकार अतुल पांडे जी। अतुल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार अतुल जी। गफलत ए रायसीना, दरबारी बनाम गोदी मीडिया, ये एक बड़ा दिलचस्प सा, एक बहुत पिछले कुछ दिनों में गोदी मीडिया करके एक वर्ड सुनाई देता है और गोदी मीडिया वालों का कहना है दरबारी मीडिया भी एक लफ्ज है, यानी कि जो दरबार में हाजिरी देते हैं और जो दूसरे गोदी में बैठे हुए हैं। अतुल जी, एक इसको कैसे आप विश्लेषित करते हैं, दरबारी बनाम गोदी मीडिया को? देखिए, हर चीज के लिए थोड़ा इतिहास में जाना मेरे ख्याल से सही रहता है कि अगर कोई आज की तारीख में अगर कोई चीज पब्लिक डोमेन में या डिस्कोर्स में आ रही है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अगर आपको याद हो, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो पहली बार वो एक ऐसा मौका आया था जब वो झोपड़ियों में जाते थे तो उनके पीछे पीछे एक कैमरा होता था और वो जिस झोपड़ी में जाते थे, जहाँ पे जो करते थे, वो सारी चीजें जो है वो मीडिया। और उस समय एक वो राजीव गांधी और उनकी पत्नी को एक आइकॉन बनाने के लिए एक पूरा जो सरकारी तंत्र जो कि दूरदर्शन के माध्यम से होता था, और प्लस एक चीज उस समय और साथ साथ क्रिएट हो रही थी जो कि एनडीटीवी का जो ओरिजिनल वर्जन था, जो कि वो न्यूज रील या कुछ करके जो वीकली एक टेप निकलता था, उसमें भी वो पूरा का पूरा फोकस जो था वो भारत के यंग प्रधानमंत्री के ऊपर होता था और वो जो कहते थे, जो करते थे, वो सबके ऊपर वो केंद्रित रहता था। तो ये जो गोदी दरबारी जो है, ये अब की इस काल की या इस कालखंड की उत्पत्ति नहीं है, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि 40 साल पुराना कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में। और इसका एक पर्पस था इसको करने का, जो कि और वो बड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो बहुत ही यंग थे और वो ऑब्वियसली यंग आदमी जो होता है वो पूरी दुनिया से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होता है, उसकी एस्पिरेशंस होती हैं। तो उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हुआ क्या कि क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया काफ़ी हद तक कम्युनिस्टों के कंट्रोल में रहा है, जितने भी जो थिंकर्स थे, जो मतलब एक जो एक इलीट कैटेगरी दिल्ली की जो हुआ करती थी वही मीडिया को कंट्रोल करती थी। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपने थोड़ा सा मतलब संदर्भ में अगर आप लें तो एशियानेट नेटवर्क मलयालम, वो एक वो कम्युनिस्ट माउथपीस था, जो एक हिंदू करके अखबार है जो कि एनराम जिसके पब्लिशर एडिटर हुआ करते थे, वो भी एक कम्युनिस्ट माउथपीस की तरीके से ही काम करता था। उसके अलावा डेली धमकी जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पब्लिकेशन था, वो भी पॉलिटिकल टिल्ट रखता था। उसके बाद एक पूरा का पूरा सन नेटवर्क आया जिसने कि ना सिर्फ तमिल बल्कि कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु भाषाओं तक में एक पूरा केबल टीवी केबल नेटवर्क को कंट्रोल किया और अब सिर्फ अपनी खबर उन्होंने उन चार स्टेट्स में
दिखाई खा, और तमिलनाडु में तो बहुत ही सक्सेसफुल रहे उन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सन टीवी नेटवर्क बनाया एंटरटेनमेंट चैनल, और उसके साथ में जब वो पॉपुलर हो गए और हर केबल चैनल के केबल टीवी के ऊपर वो आने लगे, तो उन्होंने साथ में वो न्यूज़ चैनल्स भी अपने शुरू कर दिए। अब आप इत्तेफाक की बात ये देखिए कि सन टीवी नेटवर्क सन न्यूज़ जो था वो हर घर में पहुंचता था, और जया प्रधान जया ललिता ने एक अपना नेटवर्क शुरू किया था, उसको मतलब केबल नेटवर्क पे पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो ये जो आज जो 2014 के बाद में देश में बड़ा विचित्र सा एक वो माहौल हुआ है, जो कि 1998 के बाद में भी हुआ था जब अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक 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 अनसेड एक अंडरस्टैंडिंग थी मैं कहूंगा कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में, कि सत्ता हम चलाएंगे विरोध हम करेंगे और हम तीसरे को किसी को घुसने नहीं देंगे। वो तीसरा सडनली ना सिर्फ घुसा, वो किसी तरीके से सरकार चलाने में कामयाब हो गया, और अटल जी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अल्पमत की सरकार चलाते थे और उन्होंने कोएलिशन में सरकार चलाई तो उनकी बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत करके और अच्छी तरीके से उन्होंने एक डेवलपमेंट के एजेंस सड़क बिजली पानी, ये पहली बार राजनीतिक डिस्कोर्स में अटल जी के समय में आया था। उससे पहले सड़कों का कोई नाम नहीं लेता था, क्योंकि राजनीति सिर्फ गरीबी और कांग्रेस की राजनीति हुआ करती थी। विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज मीडिया के रिसोर्सेज के थ्रू और पॉलिटिकल जो एक कोएलिशन था एक तरीके का कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में, वो पूरा देश चलाता था, किसी और के लिए कोई स्कोप ही नहीं था। अटल जी की सरकार बनी और अटल जी ने आणविक परीक्षण किया, तो उन्होंने एक इंटेंट क्लियर कर दी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग सरकार चला रहा हूं, आप मेरा विरोध कर सकते हैं तो करिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कोएलिशन सरकार चलाते थे। और उन्होंने जो जो भी उन्होंने बिजली सड़क पानी वाले जो मुद्दे उन्होंने धर्म की राजनीति से अलग करके जो उन्होंने शुरू किए, उससे ऑलरेडी जो है वो एक डिसकंफर्ट मीडिया सर्कल में और पॉलिटिकल सर्कल, जो कि मतलब बेसिकली 10-12 राजनीतिक वंचित तो है जो मतलब आज की तारीख में विपक्ष है, उस समय सत्ता में था, तो वो एक डिसकंफर्ट क्रिएट होने लगा। और वो जब डिसकंफर्ट क्रिएट हुआ उसका एक नतीजा बना जिसकी वजह से गोधरा में साबरमती में आग लगाई गई, और साबरमती में आग लगाई गई वहाँ पे 59 बच्चे और औरतों को जिंदा जलाया गया, और उसके बाद में एक राइट जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था वो वहाँ पे भड़का। और उस समय जो प्रिंसिपल एक तो सरकारी मीडिया हुआ करता था जो कि दूरदर्शन के माध्यम से चलता था, उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मीडिया नेटवर्क था वो NDTV था। तो NDTV का उस समय रोल बहुत ही विवादास्पद था, क्योंकि और ये मतलब अगर हम सबके मित्र होते हैं हर चैनलों में, तो उन लोगों से हमने ऐसी भी कहानियां सुनी है कि राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जो था वो किसी तरीके से गुजरात की सरकार को घेरने का एक पूरा वो क्रिएट करते थे। अब उसमें क्या है कि वो लोकल ऑडियंस के लिए वो हो या ना हो, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए वो एक ऐसी मील तैयार कर लेते थे या उनके लिए व्यंजन ऐसा पका लेते थे जो कि वहां पे बहुत बिकता था। और वहां से जो है जैसे ही अटल जी की सरकार 2004 में गिरी, तो ये उस तब तक उस मीडिया ने खून चख लिया था, और उस मीडिया को ये भ्रम होने लगा कि वो ना सिर्फ सरकारों को हिलाने गिराने में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बल्कि वो पॉलिसी मेकिंग में और बाकी सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसका मतलब आगे चल के आपने देखा ही था कि वो
बरका दत्त और नीरा राडिया वाला जो कार्यक्रम था वो जग जाहिर है सबके सामने। तो मीडिया ने एक अपना रोल क्रिएट करना शुरू किया। और एक और एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ कि 2004 में तो खैर बीजेपी हार गई, 2009 में भी बीजेपी हार गई, 2004 से बुरी तरह हार गई। लेकिन एक चीज जो कि उस समय के मीडिया में 2014 से पहले जो एक मीडिया में खबर होती थी कि कांग्रेस इज लूजिंग बट बीजेपी इज नॉट विनिंग, ये एक उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो कांग्रेस के विरोध की जो खबर थी उसमें पहिए ही नहीं थे, वो लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती थी और उसको ये लोग और ये स्टूडियो में बैठ के ये डिसाइड कर लेते थे कि क्योंकि ये खबर हम नहीं दिखा रहे हैं इसलिए ये खबर है ही नहीं, लेकिन वो खबर थी। और उसी के साथ साथ उसी कालखंड में सोशल मीडिया जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आने लगा और जो उस समय की यूपीए सरकार के विरोधी मत रखने वाले जो पत्रकार थोड़े बहुत थे उन लोगों ने कुछ थोड़ा मोड़ा लिखना इधर उधर शुरू किया था। लेकिन बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि जो एक वोटर क्लास थी या जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उस समय ट्विटर था तो ट्विटर के ऊपर उन लोगों ने अपनी आवाज अपने आप उठानी शुरू करी, जिसको जिसको एक जेलिसी चिड़ ने आकर के एक इस पूरे जो यू नो कम्युनिस्ट तंत्र ने या जो भी कांग्रेस और अलग जो वंश थे उनके तंत्र ने जिसको नाम दिया वो 2 रुपए के ट्रोल। वो 2 रुपए का कोई ट्रोल नहीं था, वो जनता अपने आप अपनी आवाज उठा रही थी, वो ये आज तक समझ नहीं पाए। उसी भ्रम में ये लोग, उसी गफलत में ये लोग 2014 के चुनाव में गए थे और ये तब से उस चीज को समझ नहीं पाए हैं कि जनता की भी एक आवाज है। तो अगर आप एक इलीट जर्नलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपनी कहानी जो बता रहे हैं और आपको लगता है वही कहानी है फाइनल कहानी और उसी के ऊपर जनता को विश्वास करना है, तो आपके ये भ्रम जो थे वो जनता ने तोड़ दिए। आप स्टूडियो में बैठ करके इस चीज से फेस टू फेस नहीं हो पा रहे हैं। जी। लेकिन अतुल जी, अगर इसको इस जो पूरा आपने जो पूरा एक अच्छे तरीके से जो विश्लेषित किया और जिस तरीके से मीडिया का अपना एक चरित्र या जो आपने एक बताया जो दरबारी मीडिया आज की तारीख में है, तो दरबारी मीडिया की गफलत तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम पीछे कुछ दिनों से देखें और लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से 2014 के बाद 2019 और अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, मीडिया की कहानी कुछ और थी, मीडिया के नतीजे कुछ और थे और लोग उछल रहे थे, लोग सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर जो नतीजे आए वो इस तरीके क्या है कि उनके सामने कुछ कुछ कहने के लिए नहीं बाकी बचा। लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि मीडिया के कुछ लोग, कुछ तत्व, मतलब एक तो गोदी मीडिया, दूसरा दरबारी मीडिया जो एक तरीके के नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रहा है, वो बार बार गलत कर रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं है, वो अगली बार फिर आप नया झूठ लेकर खड़ा हो जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक पत्रकार है आशुतोष नाम के, तो आजकल इस तरीके के पत्रकारों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि ये टीवी शोज पे भी जाते हैं, वहाँ पे पैनल में डिस्कशन करते हैं, फिर आकर के अपना एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये अपने वीडियोस, रील्स वगैरह बना करके जरूर दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब में जब आप अपना एक वीडियो डालते हैं तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको टैग किस तरीके से करें, कि आप उसका टाइटल किस तरीके से दें, जिससे कि वो प्रोवोकेटिव हो। इन सबको पता है कि जब तक मोदी को गाली नहीं बकेंगे इनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ये किसी ना किसी तरीके से बीजेपी हार रही है, बीजेपी का तीनों राज्यों में सफाया, बीजेपी का ये, बीजेपी का वो, और ये करके और अपना ये एनालिसिस छाप देते हैं जिसमें ये तीनों राज्यों में जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो संभले हुए पत्रकार हैं वर्नैकुलर, जो कि रीजनल लेवल के ऊपर जो काम करते हैं,
इंग्लिश मीडिया तो बर्बाद है, मतलब वो एक्चुअली इंग्लिश मीडिया है ही नहीं, वो एक इलीट मीडिया है जो कि सिर्फ कम्युनिस्टों को और कम्युनिस्ट का फेवर कोई करने वाला हो तो उसके साथ वो खड़ा है, उसको जमीन पे क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता। तो हिंदी, क्योंकि ये तीन स्टेट्स हिंदी वाले स्टेट्स थे, वहां से जो भी बंदा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था, ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये नहीं कि दिल्ली से फॉर्च्यूनर में गया और जाकर के गांव में उसने छह लोगों को पकड़ा और अपनी एक कहानी बना ली, वो भी मतलब अजीत अंजुम राजीव रंजन जैसे बहुत लोग करते हैं ये सब। तो वो हर आदमी जो है वो ये कह रहा था कि भाई साहब राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है, और लोग बड़े ताल ठोक करके कह रहे थे कि ये छोटी मोटी विजय नहीं होने वाली है, बहुत बड़ी विजय होने वाली है। लेकिन ये दिल्ली में बैठ करके जो अपने एक पर्टिकुलर तरीके के, भाई जैसे आप दोस्त पालोगे वैसे ही दोस्त होंगे आपके, आपने छह जगह फोन कर लिया, पूछा यार क्या हो रहा है, आप बीजेपी ऐसे कैसे बीजेपी आ रही है, तो उसके हिसाब से ये करके अपना एनालिसिस करके और अपना टीवी के ऊपर बयान दे देते हैं ये लोग। और बयान देने के बाद में चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद में आप धराशायी हो गए। मतलब आप, सच्चाई ये है कि अगर आपने जरा सी भी गैरत हो, जरा सी भी शर्म हो, तो आप कम से कम उस ऑडियंस को ये तो कहिए कि यार मैं गलत कह रहा था। लेकिन नहीं, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, जिस दिन नतीजे आए, तो आप अगले चुनाव के अगले नतीजे के ऊपर आपने फिर एक नया भ्रम, एक नया झूठ आपने फैलाना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले हुआ, वो राजीव रंजन जो थे वो उन्होंने बड़े चक्कर लगाए थे दुनिया भर के, और उन्होंने जो अपनी तरफ से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने मतलब कांग्रेस की ऐसी सरकार बनाई थी कि मतलब पूरी दुनिया हिल जाती, और मध्य प्रदेश में भी वो बीजेपी की सरकार बनवाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और वो उनका जो प्रोग्राम आता है उसका टाइटल होता है माहौल क्या है। अब यार माहौल क्या है, मैं, आपने यार 60-70 शहर घूम लिए, दुनिया भर के आपने चक्कर लगा लिए, आपने लोगों से बात कर ली, और आपने एक अपना एनालिसिस बना लिया, और चुनाव से एग्जिट पोल से पहले आपने अपना एग्जिट पोल दे दिया कि बॉस तीनों जगहों पे बीजेपी की सरकार बन रही है, फिर वो नहीं बनी। तो अब कहीं ना कहीं शायद एक आदमी का मैंने देखा है, जो ये जितने दरबारी मीडिया के जो सदस्य हैं उसमें से एक आदमी को शर्म आई होगी, उसने कहा यार मैं गलत हो गया। तो उसने, और वो, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो गलत क्यों हुआ। इन लोगों को जो समझ में नहीं आता है, वो ये समझ में नहीं आता है कि आप गांव गांव जाकर के लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ रहे हो, वहां पे आप जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो एज एन एक्टिविस्ट, नॉट एज अ पत्रकार, आप सत्य की खोज में नहीं निकले हो। आपकी या मेरी वजह, मैं तुम्हारे लिए 50,000 वोटों का इंतजाम करके आ गया, ये कहानी होती है जो कि अपने पॉलिटिकल संरक्षण जो उनको देते हैं उनको ये बेचते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं 50,000, मेरा 1,00,000, ये मैं करके आऊंगा, उसके हिसाब से उनकी फंडिंग हो जाती है। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि आपने अपना आकलन बिल्कुल ठीक किया, लेकिन भाई साहब आपके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता। भाजपा का वोटर आपके पास आएगा क्यों और आपको राय क्यों देगा, वो तो दूर से गए, बट नहीं देखना है तुझे, क्योंकि तू जाके बोलेगा वही जो मैं बोल रहा हूँ, मुझसे आर्ग्यू करेगा। आज विपक्ष की जो एक, मैं आपको छोटी सी चीज बोल रहा हूँ, जो कि मैं ट्विटर पे भी जो विपक्ष के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, जो कि रोज उठ करके सुबह से लेकर रात तक, मतलब उनका टाइम जो शुरू होता है वो सुबह 7 बजे से शुरू होता है, रात को 1-1.5 बजे तक चलता है, मतलब वो लोग बेसिकली 16-17-18 घंटे बहुत मेहनत करते हैं ट्विटर पर, तो सरकार को हर चीज के ऊपर वो लोग गाली देना शुरू करते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ, भाई ये ट्विटर है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मोदी पढ़ रहा है, मोदी नहीं पढ़ रहा, अमित शाह नहीं पढ़ रहा, मोदी नहीं पढ़ रहा, डोवल नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहे ये लोग, ये जनता पढ़ रही है। तुम जिस जनता का वोट खो चुके हो, उस जनता का वोट किसी तरीके से तुम्हें वापस चाहिए, तुम उसके साथ गाली गलौज करने में लगे पड़े हो। तो तुम जो कर रहे हो, तो तुम पार्टी के प्रवक्ता हो और तुम अपनी पार्टी के वोट कम कर रहे हो। तो मुद्दा बेसिकली कहने का ये है कि जब तक आप एक इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरीके से पब्लिक में नहीं आके जाएंगे, आपको कोई अपनी सच्ची राय देगा ही नहीं। जी,
बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आप पत्रकार के नाते नहीं जाएंगे, अगर एक्टिविस्ट बन के जाएंगे, तो जनता भी आपको सच्ची राय नहीं देगी। लेकिन अतुल जी, मुझे लगता है कि गफलते रायसीना बहुत सारे मुद्दों पर है, और मुझे लगता है कि ये जो हमारा टॉपिक है, हम इसे हर बार किसी एक नई चीज से जोड़कर, और जिस तरीके से रायसीना वाले जो जिस गफलत में अपने एनालिसिस बनाते हैं, और कुछ मुद्दे जो उन्होंने देश में पिछले कुछ दिनों में उठाए, और ये मान के चला कि गेम चेंजर वही है, वही सत्ता पलट देंगे, और उन्होंने मुंह की खाई, तो ऐसे मुद्दों पर हम मेरे ख्याल से आगे भी बात करते रहेंगे और अपने दर्शकों को एक नई चीज बताते रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी के लिए आज हम यहीं पे विराम करते हैं और आगे इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अतुल जी, आप जुड़े गफलते रायसीना में लोगों को आईना दिखाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी गफलते रायसीना की शुरुआत। ये बहुत अहम विषय है, और मुझे लगता है कि इस पर निरंतर अगर आप और हम जुड़कर एक दूसरे के साथ बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो अच्छा रहेगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और इसके बारे में अपनी कोई राय रखते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक के नीचे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। और आने वाले समय में जो भी हमारा अगले प्रोग्राम का लिंक होगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले सके। क्योंकि 2024, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, और ये जो रायसीना के, चाहे गोदी मीडिया हो चाहे दरबारी मीडिया हो, ये निरंतर आपको भरवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपस में बातचीत कर इसके बारे में कुछ एक जो राय है वो अपनी बना सकते। तो भारतीय राजनीति में किस तरीके की जोड़ घटा चल रही है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। और अगर इस गठजोड़ के बारे में, जो इंडिया अलायंस बनाम भाजपा हो रहा है, अगर इसके बारे में आपको भी कोई बात कहनी और रखनी है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इनबॉक्स में मैसेज करें, हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम आपसे संपर्क स्थापित करेंगे और आपको अपनी इस चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। नमस्कार।